Hello student, let's see this question. Limit x tend to 2 sine e raised power x minus 2 minus 1 by ln x minus 1 is equal to. तो बच्चों अपन को इस लिमिट का वैल्यू निकालना है किसके बराबर आएगा. बच्चों अपन जो है ना x को जो मान लेते हैं वो दे रखा है 2 plus h के बराबर. यहाँ से देखें तो x अपना यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 करेंगे तो h अपना टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो अपना जो है ना लिमिटिंग वैल्यू चेंज हो जाएगा तो अपना लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और e रेज पावर साइन सॉरी यहाँ पे हो जाएगा साइन e रेज पावर h माइनस का 1 और बाय में हो जाएगा ln 1 प्लस h. ठीक है, अब इसमें अपन क्या करते हैं तो जो है ना लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन e रेज पावर h माइनस 1 और इसी से अपन e रेज पावर h माइनस 1 से डिवाइड भी कर देते हैं. ठीक है, तो अपन ने h माइनस 1 लिया जाएगा. e रेज पावर h माइनस का 1 इस ये डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो e रेज पावर h माइनस 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे भी जो है ना अपन h से डिवाइड कर देते हैं और h से मल्टीप्लाई कर देते हैं. हम नीचे जो दे रखा है ln 1 प्लस h. ठीक है, ये दे रखा है. अब बच्चों अपन को जो है ना एक चीज़ पता है, लिमिट x टेंड टू 0 दे रखा है, साइन x अपॉन x दे रखा है तो इसकी वैल्यू 1 होती है. तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे e का पावर अगर h के जगह अपन 0 रखे तो ये अपना साइन 0 अपॉन 0 आ रहा है. तो ये यहाँ पे भी x 0 अपॉन 0 तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, उसका वैल्यू 1 होता है. तो यहाँ से भी देखें तो सेमी इनडिटर्मिनेट वैल्यू है तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा. इसी तरह से अपन को पता है लिमिट x टेंड टू 0 e रेज पावर x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू क्या होता है, यह भी 1 के बराबर होता है. इसी तरह से अपन को पता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस h बाय h की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. तो यहाँ से देखें तो इसकी भी वैल्यू 1 आ गई, इसकी भी वैल्यू 1 आ गई, इसकी भी वैल्यू 1 आ गई. यहाँ से देखें तो अपनी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, 1 × 1 × 1. यहाँ से अपनी ये 1 के बराबर हो गए. तो इस लिमिट की वैल्यू जो है ना अपनी 1 के बराबर आ रहा है. तो ऑप्शन 4 में गिवन है बच्चों, अपना फोर्थ ऑप्शन जो है ना करेक्ट आ रहा है.